माय मंत्रा हेल्दी इज ब्यूटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलोलिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द हेल्दी डिस्कशन। सो आज की टॉपिक है एमिनोरिया। मेंसेस को लेकर या मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर वीमेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक है एमिनोरिया। उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, यानी एमिनोरिया को कोई एमिनोरिया भी बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, मीनिंग इसका एक ही है, वो है एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन बिटवीन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ गर्ल्स ड्यू टू एनी कॉज। नाउ ये एमिनोरिया कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक साइन है डिस्टर्ब्ड हेल्थ कंडीशन की। और एमिनोरिया होने पर वो फीमेल इनफर्टाइल है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट, द टाइप्स ऑफ एमिनोरिया। एमिनोरिया के मेनली दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो टाइप है वो क्या है? नॉर्मली गर्ल्स में, वुमेंस में एक पर्टिकुलर एज होता है, उसी के अंदर जो फर्स्ट पीरियड या मेंसेस है स्टार्ट होना चाहिए, जिसे हम मेनार्की कहते हैं। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एज में स्टार्ट नहीं होते हैं उनके पीरियड्स या मेंसेस, तो उसी को प्राइमरी एमिनोरिया कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, 16 इयर्स के अंदर ये पीरियड्स गर्ल्स में फर्स्ट पीरियड्स स्टार्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं देन इट नीड्स मेडिकल अटेंशन, और उसी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को प्राइमरी एमिनोरिया कहा जाता है। नाउ सेकेंडरी एमिनोरिया। अब ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे वुमेंस की जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वहाँ सडनली कुछ इरेगुलरिटीज पैदा होती है, यानी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डेट मेंसेस स्टार्ट नहीं हो रही है, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, और ये किसी भी कारण से हो सकते हैं। और उनमें कुछ कॉजेज है फिजियोलॉजिकल और कुछ कॉजेज है पैथोलॉजिकल। तो जो फिजियोलॉजिकल जो कॉजेज है उनमें से है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो फिजियोलॉजिकली होते हैं वुमेंस को पीरियड्स नहीं होते। ड्यूरिंग लैक्टेशन, कुछ केसेस में लैक्टेशन के दौरान वुमेंस को बहुत दिनों तक, लॉन्ग टाइम तक पीरियड्स नहीं होते हैं। और एक है मेनोपॉज, यानी जब नेचुरली वुमेंस की मेंसेस एकदम स्टॉप हो जाते हैं। नाउ कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेस, जैसे कि ओवेरियन डिजीज यानी PCOS या PCOD, कुछ भी गायनोकोलॉजिकल डिजॉर्डर, थायरॉयड फंक्शनल डिजॉर्डर, एंडोक्रिनल यानी हार्मोनल कुछ डिजॉर्डर, डायबिटीज़ हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, या फिर फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस, या फिर एक्सेसिव वेट लॉस। कुछ केसेस में कुछ मेडिसिंस के कारण भी ये एमिनोरिया का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, कैंसर केमोथेरापी, कुछ ब्लड प्रेशर के जो ड्रग्स है उनसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कॉज जो भी हो, कोई भी कारण हो, अगर आपको इसका ठीक से इलाज करना है, आपको जानना है कि क्यों ये हो रहा है मुझे, क्यों मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं ठीक टाइम पर, तो प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है, और उसके लिए आपको डॉक्टर को विज़िट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, अगर आपको लास्ट मंथ पीरियड नहीं हुआ है, मिस्ड पीरियड है, या फिर 2-3 मंथ से आपका इरेगुलर हो रहा है, तो घर पे बैठे मत रहिए, प्लीज़ कंसल्ट सम डॉक्टर एंड टेक मेडिकल एडवाइस। नाउ सम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिंस ऑफ एमिनोरिया विच आर एक्सेलेंट इन द केसेस ऑफ एमिनोरिया। नंबर वन इज़ एकोनाइट। ये जो मेडिसिन है, ये किसी भी लड़की अगर सडनली किसी भी कारण से बहुत शॉक्ड हो गई है, बहुत ही उसे इमोशनल एक धक्का लगा है, बहुत डर गई है किसी भी कारण से, और उसके वजह से उसका जो पीरियड है वो नहीं हो रहा है, मिस्ड हुआ है 1 मंथ या 2-3 महीनों से, तो इस केस में ये एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है। नंबर टू है एपिस मेलिफिका। यहाँ पे अगर यंग गर्ल्स में या वुमेंस में ओवरी में ट्यूमर हुआ है और उसके कारण पीरियड्स मिस्ड है या एमिनोरिया का जो प्रॉब्लम है, और उसके साथ उनकी हेडेक की भी बहुत प्रॉब्लम है, तो इस केस में ये मेडिसिन
बहुत ही हेल्पफुल है। नंबर 3 है कैल्केरिया कार्ब। ये मेडिसिन स्पेशली सूट करता है उन गर्ल्स को जो थोड़ी बहुत फैटी फ्लैवी है, थोड़ी हेल्दी है, और उनको अगर ये मिस्ड पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है। नंबर 4 है सिनिसिफ्यूगा। ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है ऑल द केसेस ऑफ एमेनोरिया, किसी भी कारण से हो, लेकिन स्पेशली जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण अगर एमेनोरिया का प्रॉब्लम है, मिस्ड पीरियड का प्रॉब्लम है, तो सिनिसिफ्यूगा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। नंबर 5 यूफ्रेशिया। ये मेडिसिन एमेनोरिया के केसेस में बहुत हेल्पफुल है और एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है कि अगर किसी लड़की को अगर मेंसेस सिर्फ 1 घंटे के लिए थोड़ा हल्का सा दिखाई दिया, यानी बहुत ही स्कैंटी मेंसेस है, तो उस केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है। नंबर 6 है फॉस्फोरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इन केस ऑफ एमेनोरिया। यहाँ पे मेंसेस के टाइम मेंसेस तो नहीं होंगे, यानी पीरियड्स तो नहीं होगा, उसके बदले में आँख से, नाक से खून निकल सकता है, या फिर जो वाइट डिस्चार्ज यानी जो ल्यूकोरिया है वो हो सकता है इंस्टीड ऑफ मेंसेस। तो ये अगर केस है तो इन दैट केस फॉस्फोरस मेडिसिन इज वेरी हेल्पफुल, इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 है सेबाइना मदर टिंचर। ये बहुत ही हेल्पफुल है यंग गर्ल्स में अगर बहुत महीनों से उनको मेंसेस नहीं हो रहे हैं और उनका जो एक ब्रेस्ट है वो स्मॉल है दूसरे ब्रेस्ट से, तो इन दैट केस ये सेबाइना मदर टिंचर बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। नंबर 8 है अशोका मदर टिंचर। ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत इफेक्टिव है, और ये स्पेशली कुछ भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का केस हो वुमेन्स में तो ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये सारे केसेस में बहुत अच्छा काम करता है और इसके पर्टिकुलरली कोई भी सिम्टम्स ऐसे बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑल केसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो है वुमेन्स में उसके केसेस में ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। लास्ट नंबर इज नंबर 9। यहाँ पे मैं 3 मदर टिंचर्स का एक कंपोजिशन बोलूँगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव है इन केसेस ऑफ एमेनोरिया। ये आपका जो मिस्ड पीरियड है उसको रीस्टार्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही इफेक्टिव है। वो 3 मदर टिंचर्स है पल्सिटिला मदर टिंचर, डैमियाना मदर टिंचर एंड गॉसिपिया मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर्स आप 10+10+10 30 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार ले सकते हो और इससे आपका जो मिस्ड पीरियड है वो फिर से रीस्टार्ट होगा और आपको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से लौटाने में ये बहुत ही मदद करेगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। सो ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड फिट।